पिछले दिन फरीदकोट के जैतो में हुए सैलर मालिक के कतल नाल इलाके सहम का माहौल बन गया सी। गैंगस्टर दिन दिहाड़े ही पप्पू नाम के व्यापारी को गोलियां नाल छलनी करके उतों आराम नाल फरार हो गए सन। इस दे बाद इलाके का हर कोई व्यक्ति दोषियों खिलाफ़ कार्रवाई की मांग कर रहा सी। इस मामले च फरीदकोट पुलिस वालों किए गए एक्शन में कुछ गैंगस्टरों के परिवारक मैंबर समेत 17 व्यक्तियों ने पुलिस ने हिरासत लैके मुकदमा दर्ज किया है। इस संबंधी जानकारी देते हुए फरीदकोट के SSP डॉक्टर नानक सिंह ने दसा है कि पुलिस इस मामले पर पूरी गंभीरता नाल काम कर रही है। इस मामले में कुछ फुटेज भी उन्होंने हाथ लगी है। उन्होंने कहा कि पुलिस को काफ़ी हद तक इस तक पता लग चुका है कि वारदात में वरती गई गड्डी कितों तक गई सी। इस नाल ही उन्होंने दावा किया है कि दोषियों को जल्दी ही काबू कर लिया जाएगा। प्रोग्रेस जिहड़े पहला परचे दिते गए सी उस तो अलावा एक होर सस्पेक्ट फिगर होया वे जिहदी कि CCTV फुटेज सानू मिली है। असीं इह गड्डी भी काफ़ी हद तक ट्रेस कर लई अगे कित्थे तक गई सी ते उहदे उपर असीं वर्क कर रहे हां। सर इस मामले च कुछ परिवारक मैंबरां च कहे गए जिहड़े नामजद कीते गए इस मामले च उह किन्ने मामले दर्ज होए? उन्होंने FIR दी गई है जैतो जिदे कि 17 बंदे नॉमीनेट किए गए हैं। अलग अलग टाइम तो इन्होंने 18 प्रोवाइड की गैंगस्टर्स नू ते बाकी दोषियों। सर एक फ्रीकोट जो शहर लोगों असी मीटिंग्स भी कर रहे हैं, लोगों को दस भी रहे हैं, पुलिस की प्रेजेंस भी वधाई है ते जिहड़ी रूटीन की नाकाबंदी है उस तो अलावा भी स्पैशल नाकाबंदी करके लोगों में मैसेज पहुँचाया जा रहा है कि उन्हां दी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। फरीदकोट तो सूरज प्रकाश की रिपोर्ट, पंजाब टुडे।